नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में। हमारे साथ यहाँ के व्यापारी और साथ में मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज मंडी के अंदर गेहूं की कितनी आवक है और क्या भाव है। सर, सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। फिलहाल मंडी के अंदर आज गेहूं की कितनी आवक है और क्या भाव है? मैं आपके समाचार जगत को बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरे देश में आपकी ओर से सबको भावों की ताज़ा जानकारी मिलती है। वर्तमान में गेहूं अलवर मंडी में 10,000 करीब कट्टे आ रहे हैं और कल से 10 से 15 रुपये तेज है। वर्तमान में हमारे गेहूं के भाव 2,250 से 2,400 रुपये के भाव चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो समर्थन मूल्य है उसके हिसाब से किसान मंडियों में बेच के अभी भी राजी है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा, उसमें भारत में गेहूं की जो कीमतों में एक अच्छा उछाल ला दिया था जिससे किसान भी खुश था और कारोबारी भी खुश था। क्या लगता है कि चालू सीजन में हमास और इजराइल का युद्ध और फिर ईरान भी इस लड़ाई में कूद गया है, चावल की कीमतों में उछाल आया है, तो क्या माने कि चावल खाने वाला गेहूं के आटे पर शिफ्ट हो गए, गेहूं की मांग बढ़ेगी? गेहूं की आप जो समझ रहे हैं कि भारत के जो युद्ध पिछली बार यूक्रेन के युद्ध का जो बात थी उसकी वजह से जो तेजी आई थी, उसके और भी अन्य कारण थे। फॉरेन में जो फॉरेन देश की पॉलिसी थी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा तेजी आई थी, क्योंकि हमारे भारत देश ने पहले एक्सपोर्ट किसी चीज़ का मान लो किया हो और उसके बाद युद्ध भी हो गया हो, ऐसे में उसका तेजी आना पिछली बार स्वाभाविक था। इस बार अपने भारत देश की सरकार वर्तमान में गेहूं को लेकर, भाव को लेकर चिंतित है, इसलिए गेहूं में तेजी आएगी लेकिन बहुत स्पीड से नहीं आएगी। और जो ये युद्ध की बात है, युद्ध का इतना असर गेहूं की तेजी पर नहीं पड़ेगा। गेहूं की तेजी इसलिए आएगी कि सरकारी जो पूल है उनके पास गेहूं का स्टॉक कम है, अन्य बहुत से कारण हैं। विदेशों में भी गेहूं का उत्पादन मैं समझता हूँ कि अन्य पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा नहीं है, तो गेहूं में तेजी आना स्वाभाविक है। गेहूं का चालू सीजन में ऊपर में भाव क्या देखते हैं और बहुत से कारोबारी तेजी में है? वर्तमान में जो गेहूं के भाव चल रहे हैं पिछले साल के मुकाबले 100 से 150 रुपए ऊंचे चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इसका 3,000 का जो आंकड़ा देख रहे हैं तो स्टॉकिस्ट ये समझ रहे हैं कि इस बार भी 2,800-3,000 गेहूं होगा। वैसे गेहूं का अगर अपन बात इसका जो लॉजिक भाव है, एक हिसाब से ये 2,800-2,700 रुपए का गेहूं का मूल्य होना चाहिए। चालू सीजन में हालांकि सरकार की गेहूं को लेकर बहुत पाबंदियां हैं, ऐसे में कारोबारी स्टॉक तो कर रहा है, लेकिन क्या कारोबारी की उम्मीदें पूरी होंगी? गेहूं चालू सीजन में 3,000 पार करेगा क्या? मैं समझता हूं कि इस बार जो सरकार की जो नीतियां हैं और पॉलिसी हैं उसके हिसाब से 3,000 रुपए के गेहूं के भाव होना बहुत अभी कठिन है, क्योंकि सरकार ने अभी 29 तक गेहूं गरीबों को फ्री बांटने का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ गेहूं के भाव वास्तव में 2,800-2,700 होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन स्टॉक इसलिए डरा हुआ है कि सरकार कभी भी स्टॉक पर पाबंदी लगा दे, अन्य तरह की पाबंदियां लगा दे। वर्तमान में भी केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी स्टॉक करेगा हमें हर शुक्रवार को अपना स्टॉक ईमेल पर डालेगा। मोटे अनाज पर सरकार का खासा असर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट पर कई देशों की सरकारें काम कर रही है, कितना असर आप गेहूं की कीमतों पर देखते हैं? गेहूं वर्तमान में अन्य जिन्सों के मुकाबले वास्तव में बहुत सस्ता है, इसलिए गेहूं का भाव 2,600-2,700 रुपया, 2,500 से 2,700 रुपया गेहूं का वास्तविक भाव होना चाहिए। सरकार ने देश में भारत अन्न की जो स्कीम चलाई है जिसमें सरकारी एजेंसियां चावल, आटा और दालें बेहद सस्ते मुहैया करा रही है, इसका कितना असर गेहूं की कीमतों पर देखते हैं? क्या सरकार की भारत अन्न गेहूं की कीमतों को रोकेगी? ये जो सरकार की नीतियां हैं वो सिर्फ इसलिए है कि गरीब आदमी को कोई महंगाई से जूझना नहीं पड़े और गरीब आदमी के तबके के लिए ये पैसा जो सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार देगी उसका असर कोई लंबा चौड़ा नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह है। क्योंकि गेहूं किसी को फ्री में मिला हो चाहे पैसे से मिला हो, गेहूं तो उसको खाना ही है, इसलिए उसका असर कोई लंबा नहीं पड़ेगा। एक लास्ट सवाल है जलालपुरिया जी, इस साल देश में उत्पादन क्या देखते हैं और मित्र देशों को सरकार के जरिए निर्यात क्या देखते हैं आप?
केंद्र सरकार निर्यात मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष निर्यात करें, क्योंकि उनकी सुबह केंद्रीय पुल का जो स्टॉक है वो बेहद कमजोर है और ऐसे में एक्सपोर्ट की बहुत कम संभावना है और अन्य देशों को वो इम्पोर्ट भी नहीं जब करे एक्सपोर्ट नहीं करने की कोई पूरी उम्मीद। अभी गेहूं की सरकारी खरीद चालू हो गई है, सरकारी में गेहूं की खरीद चालू है 2400 रुपया बोनस सहित तो उनके भाव होने के बावजूद भी किसान 2250-2300 रुपये में मंडियों में बेचकर खुश है। ये हमारे साथ में सुरेश जलालपुरिया जी जो व्यापारी है मौजूद थे, उन्होंने हमारे को गेहूं के बारे में जो आवक है और भाव के बारे में हमको पूरे विस्तार से इन्होंने चर्चा में बताया कि इस तरह मंडी के अंदर जो लगातार गेहूं की आवक हो रही है और भाव भी काफी अच्छे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी उम्मीद यहाँ के व्यापारी लगा के बैठे हैं कि जो मंडी के अंदर आने वाला जो गेहूं है 3000 के आसपास पहुंचे।